उबर करा घर जा चल शाबाश, तुझे मैंने पेशावर नहीं लेके जाना। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये बैग तैयार किया हमने, साथ हमने डेली ड्रिवन शूज एंड टोपियाँ रख ली। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हम, इनसे पूछते हैं। यार ब्रो शावर चलें, चलें शावर। वो तो कराची गया था। कराची चल, कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची शावर पर। तो मेरा दिल ले गई हमको, तुम यूं ना बड़ा छेड़ो केंद्र। यार गलत हो गया थोड़ा। पेशावर के रानी हमको इसे के राजा, आजा रानी दिल मिला ले। यार ब्रो इधर आओ, खुशबू लगा के जाना है तुमने। खुशबू लगा के। ओ यार पेशावर जा रहे हैं बॉयज, पेशावर जा रहे हैं बॉयज। पेशावर आई विश के इधर आ, बात सुनी इधर आ, हेलो इधर आ। I wish कि ये ट्रायो होता, I wish। लेकिन we will miss you, हबीब भाई। शादी के चलाएगा। बहुत सॉरी कब। भाई नहीं है। All set, कंबल। गाड़ी तो खोल दे, all set। इजी रहे, इजी रहे यार। देखिए मतलब कंबल पकड़ के पीछे बैठने लगा ये। नाडो, going to पेशावर। सब कुछ उठा के उस गाड़ी में फेंको, शॉपर में डाल। नाजरीन एक दफा फिर से ऑटो शो पे जाया जा रहा है, और कोई करीब ऑटो शो नहीं, लाहौर में नहीं, फैसलाबाद में नहीं, सियालकोट में नहीं, सीधा पेशावर। अब पेशावर क्यों जा रहे हैं, मौका मिला था तो मैंने कहा इस मौके का फायदा उठाया जाए, फिर पता नहीं कभी पेशावर जाएंगे कि नहीं। लेकिन अब मौका भी था और दिल भी कर रहा, तो इसलिए ये डिसीजन लिया है। सफर का आगाज हो रहा है वही नाइट गाइस, रात को निकलेंगे और सुबह इंशाल्लाह पहुंचेंगे ऑटो शो पे। मोटरवे का सफर है, गुड सफर है, तो चलते हैं और देखते हैं कि पेशावर में क्या सीन होता है। मोटरवे बंद है, 5 बजे का टाइम है, 5:30 फजर की जानी हो रही है। बट साहब की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन भी नहीं है, कि जीटी रोड पाओ लंबा जाके मोटरवे चढ़ते हैं। ओए एक मिनट चुप करते हो, मैनिपुलेट करना बंद। मुझे कैम्बर की हुई गाड़ियां दिखा रहा है, देखो लोग कहां कहां लेके जा रहे हैं पहाड़ों के अंदर, जीटी रोड डालो मजा आएगा ये वो। मेरी जीटी रोड के बारे में बड़ी गंदी फीलिंग्स है, अभी आया मुझे पता है जीटी रोड, मैं जीटी रोड वाला बंदा हूँ, मेरा घर है उस तरफ। ये नए लोग आए हैं अभी, ठीक है, इनको नहीं पता, ये कभी पक्की सड़कों से बाहर नहीं निकले, इनको नहीं अंदाजा है। फिलहाल ये आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, इट्स बेटर टू ट्राई देन टू रिग्रेट। ये गूगल से पढ़ पढ़ के बोल रहा है, इट्स बेटर टू ट्राई देन टू जस्ट गेट ऑफ एंड यू नो। तो पता नहीं क्या होना है, मुझे तो कैंसिल होता नजर आ रहा है पेशावर। धुंध की वजह से मोटरवे बंद। अब एक्सट्रीमली अजीब शेखपुरा से होते हुए, खानका डोगरा पिंडी भट्टियाँ से होते हुए मोटरवे के बगैर अजीबो गरीब रस्तों से, जहाँ से कभी नहीं गए वो रास्ता चुना है कि पेशावर पहुँचना है। बट साहब ने, आपने सुना होगा कि हमें बड़ा मोटिवेट किया है, ईमान और खुदा और ताल्लुक और गाड़ी पर यकीन और कुछ भी नहीं होता करके। देखता हूँ वॉलेट में, तो इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर अस, देखते हैं आगे क्या होता है। इधर ये हालात हैं कि हम 20 से ज्यादा जा नहीं सकते, हमने हाँ देख रहा हूँ, हमने सोचा था देखो नजर आ रहा है मुझे हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं आगे कुछ नहीं है, तो हम ओवरटेक कर लेंगे और फिर हम फौरन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपको जो यहाँ से रोड खत्म हो रहा है, वहाँ से थोड़ी सी इशारा मिल जाता है कि आप सीधे जा रहे हैं, तो गुड सीन्स। तू तेरा ईमान पक्का है ना, अभी तक तेरा ईमान खराब होया है ना, मतलब लितर मार रहे हैं। बैग
अंदर वाले रस्तों से होते हुए खानकाह डोगरा पहुंच चुके हैं। ये अभी इधर इंटरचेंज है लेकिन अभी बंद है, अभी बहुत धुंध शुंध है, नो सीन फिलहाल। एक दो घंटा इधर रुकते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर इधर ज़रा एयर सस्पेंशन रिएक्शन नोट हो रहे हैं और तसल्ली हो गई है जी इनकी के जी ये गाड़ी सोच रहे थे कि चलेगी कैसे, अहमदाबाद आई कैसे, फ्रेम टच हो गया, अभी नहीं हुआ, करेंगे फ्रेम टच भी। तो ये सीन चल रहे हैं, लेट्स सी। ये जनाब हमारा चालान करने के लिए भाईजान सामने से आ रहे हैं। थैंक यू सर, हम रुक गए सर आपकी खिदमत में। एंड दिस इज अ चालान हसन के नाम पे, ये जो बंदा चला रहा था इसके नाम 2000 रुपए का चालान है। अभी बट साहब ये बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट और बड़ी कारें बिग कार्स जो है पेशावर में देखने को मिलेंगी, यही एक वजह थी कि इतनी दूर लाहौर से हम पेशावर आए। तो अभी गाड़ी हमारी हो रही है वॉश, ऑलमोस्ट हो गई है और शो से हम थोड़ा सा दूर हैं, एंटर होते हैं शो में, तो मिलते हैं लोगों से और देखते हैं गाड़ियाँ। लेट्स गो, थके हैं बस बहुत। तो मोटरवे ने जो डील किया ना, बस उसने थोड़ा सा मूड ऑफ किया, बाकी गुड सीन पेशावर में, गुड सीन। इधर हम ऑटो शो की तरफ जा रहे थे तो हमें देखें कौन मिला। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? Okay.
एंड ऑटो शो के बाद वी आर फाइनली बैक इन पाइन अपार्टमेंट्स। वापस लाहौर जाने की हिम्मत नहीं थी इसलिए हम वापस नहीं गए। तीनों को नींद आई थी, किसी से ड्राइव नहीं हो रही थी, ड्राइव करते हुए सो रहे थे, तो इसलिए सोचा कि इस्लामाबाद रुक जाते हैं रात, कल इजी हो के सो के उठ के जो है ना वो जाएंगे लाहौर। तो ये प्लान हुआ है। बाकी जहाँ तक रही बात ऑटो शो की, तो कुछ फीलिंग्स का इजहार आपके साथ करते हैं। तो इसके आप हालात देख लें, ऊपर पूरी पूरे पेशावर का फिंगरप्रिंट लगा हुआ है और भी बहुत फिंगरप्रिंट हुआ है, इधर बहुत सारे फैन मोमेंट्स हुए हैं। गाड़ी के रैप को मैं बदलना चाह रहा था, मैंने कहा लेकिन एक दफ़ा ना लोगों से मिल लिया जाए ऑटो शोज पे, ताकि ये जो फिंगर प्रिंटिंग होनी है ना इससे हमारी बचत हो सके। अब आगे नेक्स्ट कोई ऑटो शो पता नहीं है कि नहीं, अब इसको हम प्रॉपर जो है कलर को चेंज करेंगे और जहाँ पे भी कहीं स्क्रैचेज हैं ये वो सीन है, ताकि एक दफ़ा गाड़ी फिर से क्लीन हो जाए। तो बात करनी थी आपसे पेशावर के लोगों की कि पेशावर आके कैसा लगा, पहली दफ़ा आए थे, वही बात मैं चाह रहा था कि यार मौका है तो चले जाना चाहिए, पेशावर इतना दूर नहीं है। ये शो अटेंड करने के बाद जो है ना वो हमें फील आई कि यार टोटली वर्थ इट था, टोटली वर्थ इट था। हालांकि हमने वो थोड़ा सा रिस्क लिया, एक नए रास्ते से आए, मोटरवे बंद थी और इस तरह के सीन हुए, तो आप सब लोगों से मिलने के बाद टोटली वर्थ इट हो गया। और स्पेशली जो आप लोगों की एक जो मिलने का तरीका है, जो एक हॉस्पिटैलिटी करने का तरीका है, वेलकम करने का तरीका, कि उज़ैफा भाई आप यहीं रुकें, आप जाएँगे नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने हमें ये ना कहा हो कि भाई जान आपने रुकना है, आपने कुछ खा पी के जाना है, ऐसे नहीं जाना। तो इस चीज़ का बहुत मज़ा आया। ऑन फाइनल नोट्स मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी हॉस्पिटैलिटी आज तक कहीं नहीं देखी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग भी मिले, जिन लोगों ने हमें वहाँ रुकने की दावत दी, खाने की दावत दी, तो इसी तरह प्यार करते हैं। स्पेशली जो लोग नहीं मिल सके उनसे भी माजरत है। बाकी पेशावर बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत लगा। तो यार रुक जाओ यार, मुझे बात करने दो लोगों से। इस हॉस्पिटैलिटी, इस मेहमान नवाजी का बड़ा बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। इंशाल्लाह हम आते जाते रहेंगे, ऑटो शोज़ आते जाते रहेंगे और हम भी आते जाते रहेंगे, ये भी आ गए। तो हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली किसी वीडियो में। तो अभी धूप से की जा रही है ज़रा पिंडी में, इसके बाद अब यहाँ से हम निकलेंगे वापस अपने शहर लाहौर को, क्या कहते हैं, जिंदा दिलाने लाहौर। तो पेशावर वालों आप सबको जिंदा दिलाने लाहौर की तरफ से सलाम, अल्लाह हाफिज़। टाइम टू चेक आउट फ्रॉम फाइन अपार्टमेंट। ओह यार सीक्रेट छोड़ दो ब्रो, एक फैन भी दिया था। ये देखिए तो यार ये सीधी करें ब्रो, गुड रजाइयां, गर्म रजाइयां, साफ मोल है ना, बचाना तो पड़ेगा ना ब्रो।